ईश्वर कहाँ है। ईश्वर को खोजने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हम नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं, पर उसे नहीं पाते। कहते हैं कि वह सर्वत्र है, वह सब जगह है, पर भी हमें क्यों नहीं दिखता। उसे प्राप्त करने को धन, वैभव, जीवन तक नष्ट करते हैं, पर पाते नहीं। अंत में निराश होकर कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। भाई, ईश्वर है, पर उसे खोजने में गलती कर रहे हो। तुम उसे धन वैभव से नहीं पा सकते। अगर उसे पाना है तो प्रेम करना सीखो, प्राणी मात्र से प्रेम करो, जड़ चेतन से प्रेम करो, आत्मा से प्रेम करो। उसे पाने के लिए जंगल में जाने की, धुनी रमाने की, धन वैभव नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वह सर्वत्र है तो आपके पास भी होगा। होगा नहीं, है। कहाँ? आपके शरीर में, जिसे आप आत्मा कहते हैं। क्या आपने कभी अपनी आत्मा की आवाज़ पर ध्यान दिया है? नहीं। यही कारण है आप उसे खोजने पर भी नहीं पाते। विचार करो, जब तुम बोलते हो, चलते हो, काम करते हो, सोचते हो, या शुभ कर्म करने की प्रेरणा होती है, तो वह कहाँ से और कौन करता या कहता है? जब तुम किसी को कष्ट पहुँचाने का विचार करते हो और तुम्हें अंदर से कोई रोकता है कि ऐसा ना करो, वह कौन है? वह अपने अंदर मौजूद ईश्वरी है। उसे अपने अंदर ही प्राप्त किया जा सकता है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1944, पृष्ठ 82।